हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो टारगेट्स रहे उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन देखिए, आज जो हमारी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। लास्ट के पिछले 3-4 दिनों से कॉन्टिन्यूटी में ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली। अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम चल रहा है। लेकिन अपसाइड पे यहाँ पर आगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि इस लेवल पर मार्केट ने पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पे मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी फेस किया हुआ है। तो एक इम्पोर्टेंट लेवल पर भी पहुंच गई है, 103.936 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको हम पहले ब्लॉक कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आज के जो हमारे टारगेट्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो बना हुआ के चार्ट अगर स्विच करते हैं, तो यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी हुई थी। ये वाली लाइन हमने ड्रॉ करी थी, हमने कहा था कि अगर ये ब्रेक होती है डाउन साइड पे या इस लेवल से, तभी हम डाउन साइड पे जाएंगे, अदरवाइज हम सेल साइड पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, हमें फर्स्ट टारगेट हिट करके दिया 103.395। इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और इससे सपोर्ट लेने के बाद वापस बाउंस बैक कर गई है। तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक छोटा टारगेट हमें यहाँ पर दिया। ये बुक करने के बाद हमें एक और मोमेंटम मिला है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस लेवल के बाद। इस लेवल के बाद हमने डिस्कस किया था कि ये क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है, तो हमें अपसाइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इस लेवल के ऊपर हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 103.76, जो कि इसी कैंडल पे ही मार्केट ने हिट कर दिया। उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट लेने के बाद सेकंड एंट्री तब लेंगे जब हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी। तो इस कैंडल ने, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से हमारा अपसाइड का टारगेट बना हुआ था 103.936 का, जो अभी तक मार्केट ने हिट नहीं किया है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि कैंडल छोटी होती जा रही है, इनकी बॉडी आप देख सकते हैं, बॉडी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद कमजोर हुई है और वीक हुई, और यहाँ पे देखिए काफी ही कमजोर बॉडी हो चुकी है। तो अगर आप अभी भी एंटर कर चुके हैं, कर रखा है मार्केट में, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो सेफ एग्जिट यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी काफी कमजोर हो गई है और अभी जो कैंडल बननी है वो रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो अभी हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। गोल्ड में देखिए, हमने मार्क किया हुआ था कि अगर मार्केट ने ये वाली एक सपोर्ट लाइन बनी हुई थी, अगर ये ब्रेक होती है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ गिरती है, तो हम सेल साइड पे प्लान करेंगे इस लेवल तक के लिए। या फिर मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है, तो हम डाउन साइड पे प्लान करेंगे इस लाइन तक के लिए। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं, रिवर्सल लिया और मार्केट ने यहीं पे इसी कैंडल पे ही ये वाला लेवल हिट किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो हमारे पास 1982 और 1985 का टारगेट रहने वाला है। इसी ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने, सबसे पहले 1982 का टारगेट हिट किया, उसके बाद 1985 का टारगेट हिट किया, यानी कि दोनों टारगेट्स मार्केट ने हिट किया है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। तो यहाँ से डाउन साइड का हमने प्लान नहीं किया था कि यहाँ से अगर रिवर्सल होगा तो मार्केट क्या करेगी। तो इसलिए हमारे जो अपसाइड के टारगेट थे वो मार्केट ने हमें हिट करके दिए हैं, और डाउन साइड का एक लेवल मार्क किया था हमने, वो भी हमें मार्केट ने हिट करके दिया है। तो अभी बात कर लेते हैं कल के लिए, यानी कि 25 मई 2023 के लिए क्या यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स रह सकता है मार्केट का। कल इम्पॉर्टेंट डाटा आने वाला है, तो डाटा एनालिसिस को आप जरूर देखिएगा। डाटा एनालिसिस के बेसिस पर अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे, तो आप ज्यादा बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए डे के चार्ट पे अगर हम देखें, तो डे के चार्ट पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 103.936 हमने मार्क किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है ये। बना हुआ के चार्ट पे अगर हम चलते, तो यहाँ पे देखिए इसके पास से ही मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है, वीक होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक लेवल हमने मार्क किया था, ये वाली लाइन ड्रॉ करी थी, ये लेवल हमें जो है सपोर्ट देती हुई नजर आ रही थी। ये सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, देखिए एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दी है, उसके बाद इमीडिएटली बाद मार्केट अंदर एंटर कर गई। ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, मार्केट नीचे तक भी गई है, लेकिन इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी है। तो देखिए ये सपोर्ट अभी तक हमारा बना हुआ है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमें कंसिडर करना ही होगा। तो अभी सेल साइड प्लान करने के लिए हमें इस लेवल के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। तो इस लेवल को हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ब्लैक कलर में। अगर ये ब्रेक होता है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। सेल साइड का सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 103.640, लेकिन ये एग्जैक्ट टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो ये 640 हिट कर देगा, लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो हमें सपोर्ट लाइन मिल रही है ये वाली लाइन, तो ये हमारा सबसे पहला टारगेट बन जाएगा इस केस में, अगर मार्केट ने बहुत दूर से एग्जिट लिया तो, यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो। ठीक है, तो इस केस में हमारा यहाँ से फर्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन रहेगी, ये ब्रेक हुआ तो 103.640, और 103.640 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो 103.504 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो कुछ एक्स्ट्रा लेवल्स हम मार्क करेंगे, क्योंकि कल डाटा आने वाला है, इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है, तो वो काफी सपोर्ट कर सकता है। तो इसके बाद 103.395 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो 103.936 हमारा अपसाइड का टारगेट रहने वाला है। और इसके ऊपर अगर हम मार्क करें, तो हमें इसके ऊपर लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से लेवल पर मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही है।
अगर 103.936 ब्रेक होता है तभी हम बाय साइड जाएंगे 104.082 के लिए। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। गोल्ड के लिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे 103.768 इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो सबसे पहले टारगेट 103.640 या फिर ये ट्रेंड लाइन मिलेगी, ये ट्रेंड लाइन और ये दोनों लेवल्स ब्रेक होने चाहिए, ये ट्रेंड लाइन प्लस 103.640 ब्रेक होने चाहिए तभी हम सेल साइड जाएंगे फर्दर 103.504 और 103.395 के लिए। और अपसेट पे अगर हम जाना है तो ब्रेक वेट करनी पड़ेगी हमें या तो यहाँ से रिवर्सल की, यहाँ से रिवर्सल आता है तो सबसे पहले 103.936 तक का टारगेट बुक करेंगे, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पे हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे आते ही मार्केट हमें हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। और इसके बाद हमें सेकेंड एंट्री मिलेगी 103.936 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग लेती है, तो इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 104.082 का। ये लेवल्स मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के लिए कि गोल्ड में हमारा क्या मोमेंटम रह सकता है। डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे 1979 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, और हमारे जो अपसाइड के लेवल्स हैं उनको मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली इसको अचीव किया, हिट किया है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो डाउन साइड में 1954 का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है, इसको भी हम थिक करेंगे। तो यहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गई है, यहाँ से अभी वापस जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मार्केट इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर बना वाली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे हमें अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से अभी मार्केट जो देखिए ये वाला लेवल भी पहले रेजिस्ट कर चुका है मार्केट को, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम बाय साइड जाएंगे 1967 के लिए और 1970 के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, देखिए रिवर्सल आ सकता है क्योंकि कल डाटा आने वाला है, रिवर्सल भी आ सकता है, या यहाँ से रिवर्सल लेता है या यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो हमारे यही सेम लेवल्स रहेंगे। रिवर्सल जहाँ से भी आएगा उसका नेक्स्ट लेवल जो है हमारा टारगेट रह जाएगा 1967, यहाँ से रिवर्सल लेता है तो 1963, और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अपने टारगेट्स के लिए। ये हमारा टारगेट रहेगा 1958 का, यहाँ से रिवर्सल लेता है तो 1958 हमारा टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। और इसको भी ब्रेक किया तो 1954, जिसको प्रॉबिलिटी कम है वैसे, क्योंकि रीजन का ये है कि 1954 के नीचे मार्केट नहीं गई है और यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, तो मार्केट यहाँ तक आएगी या फिर यहाँ से इसको टच करके वापस ऊपर मर जाएगी, तो मोस्ट प्रॉबिली ये सीन रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप ट्रेडिंग शुरू नहीं करा है आपने, तो आप अपनी ट्रेडिंग को एक्सनेस के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सनेस को ओपन करना बहुत ईजी है और सेफ प्लेटफॉर्म है, बहुत ईजिली फंड्स ऐड और विड्रॉ हो जाते हैं। और उसमें किस तरह से आपने डिटेल्स डाले, किस तरह से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आप गो थ्रू करके अपने अकाउंट को इजीली ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसके थ्रू अकाउंट इजीली ओपन कर पाएंगे। सो अब हम चलते हैं टाइम फ्रेम्स की तरफ। तो ये हमारे टाइम फ्रेम्स हैं 11:30 बजे, 6 बजे और 7:30 बजे। तो इन टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। 11:30 बजे जर्मन जीडीपी का डाटा आने वाला है। जीडीपी का डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। तो अगर यहाँ पे जीडीपी पॉजिटिव आए, देखिए पॉजिटिव की इंडिकेशन है, फॉरकास्टेड लेवल्स हैं और ये प्रीवियस लेवल्स है। प्रीवियस हमारा -0.4 था, फॉरकास्टेड -0.1 है, यानी कि पॉजिटिविटी की उम्मीद है। तो अगर पॉजिटिविटी आई तो यहाँ पे जो यूरो है, ईयू आर करेंसी है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ईयू आर यूएसडी इस केस में ऊपर की तरफ जा सकता है, बढ़ सकता है। और अगर ईयू आर यूएसडी ऊपर की तरफ गया तो हमारा डॉलर इंडेक्स DXY जो है, DXY नीचे की तरफ गिर सकता है और इसका ऑपोजिट इंपैक्ट पड़ता है हमारा XAU USD के ऊपर। ऑपोजिट इंपैक्ट पड़ता है XAU USD के ऊपर, हमारा ऊपर की साइड जा सकता है। उसके बाद GDP, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, पेंडिंग होम सेल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा, ये काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है मार्केट के ऊपर। तो इस टाइम फ्रेम्स को आप अगर मिस ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पर हमें एक अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यूएस का जीडीपी का डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग आ सकता है, अगर पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अगर पॉजिटिव आते हैं, जैसे 242 के है, यहाँ पे 250 के फॉरकास्टेड है, यानी कि डाटा ज्यादा पॉजिटिव आने की चांसेस है, तो 250-251 इस तरह का डाटा आता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में जॉब्स जा रही हैं लोगों की, उनको डर लग रहा है कि उनकी जॉब्स जा रही हैं। तो अगर जॉब जा रही है यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, डिमांड गिर रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ तो इस केस में, इस वाले केस में, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स वाले केस में
डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया, स्ट्रॉन्ग आया, तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे गोल्ड के ऊपर। पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है, ये भी अगर पॉजिटिव आता है तो इसका भी डाटा हमारे डॉलर इंडेक्स के ऊपर पड़ता है। जो भी डाटा, जो भी इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर पड़ेगा, उसका नेगेटिव और ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड के ऊपर। तो ये टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, या फिर आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख लीजिए, ये हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।